लेडीज की सुरक्षा का पहले मोदी जी का सबसे ज्यादा, आज कितने सेफ है, रात बेरात भी घूम लो, सब सेफ्टी है सबके लिए। महंगाई बढ़ गई, महंगाई कांग्रेस के टाइम पे 10.71% भी होती थी तो क्या बड़ी बात हो गई। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए तो फंड्स की जरूरत होती है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री के ऊपर करप्शन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। महंगाई की बात होती है, कहाँ है महंगाई? अब से 50 साल पहले देखो, कहाँ कपड़े पहनते थे, बच्चों पे कपड़े होते थे, खाने को नहीं मिलता था, अब हर बच्चे पे 10 जोड़ी कपड़े हैं, बताओ कहाँ महंगाई है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट डाले? मोदी जी को नाम का सिक्का निकालना चाहिए। मैं अपने मोहल्ले की तरफ से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 20 से 25 साल हो गए, एक कोई सरकारी पैसा नगर निगम का एक लगा नहीं। हम बात करेंगे अलग अलग लोगों से, जानेंगे किन मुद्दों पर उन्होंने वोट डाले हैं। नमस्कार सर, आपने वोट डाला है आज? जी, वोट डाला आपने? वोट डाला है, वोट कराए, अरुण गोविल जी को वोट कराए। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है? विकास के मुद्दों को लेकर वोट कराए, जो मोदी जी की योजना है, जो विकास हो रहा है देश के अंदर, और राष्ट्र हित में चुनाव कराए हमने, राष्ट्र हित में वोट कराए। विकास हुआ है? वाकई विकास हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है विकास हो रहा है, विकास पे ही वोट मिल रही है मोदी जी को। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो ये बोल रहे हैं कि विकास हुआ ही नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है विकास होता हुआ, आप कहने से क्या होता है, सब जगह दिखाई दे रहा है। आप हाईवे यहाँ से दिल्ली जाओ, देहरादून जाओ, सब जगह रास्ता देखो, पहले दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाते हो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नौकरियाँ खत्म कर दी मोदी जी ने। खूब नौकरियाँ, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए नौकरियाँ, मोदी जी ने क्या हुआ, बीच की दलाली खत्म कर दी, जो बीच में दलाली होती थी, अब जो बच्चा काबिल है वो नौकरी कर रहा है, खूब नौकरी लग रही है, कौन कह रहा नौकरी नहीं लग रही। तो क्या मिजाज देखने को मिला जनता का, किस तरफ झुकाव है मेरठ की जनता का इस बार चुनाव में? की जनता का झुकाव तो बीजेपी की तरफ है, मोदी जी को वोट जा रही है सबकी, हमारी भी मोदी जी को वोट गई है, और ये हमारा जो सर छोटू राम का बूथ है यहाँ, बूथ 46 जो शहर विधानसभा में आता है, इसमें टोटल वोट हमारे यहाँ पे जो मोदी जी को जा रही है। आप बताइए सर, आपने भी वोट डाली होगी? नहीं, हमने डाली। आपने डाल दी? किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट डाली है इस बार? सेवा देख के कि मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, इसके वजह से हमने वोट डाली। मोदी जी बढ़िया आपने बोला, किस तरह से बढ़िया है? विकास किया उन्होंने, नौकरियां दी, कुछ तो मुद्दे रहे होंगे आपके? मकान गरीबों को दिया, शौचालय बनवाया, सारे काम करे उन्होंने। लेकिन सरकार का कहना है कि सिर्फ आंकड़े दिखाए हैं उन्होंने, पहले भी थे शौचालय तो? ऐसे नहीं था, ऐसे ये तो धोखेबाजी है, ये जो सरकार होती है पुरानी, उन्होंने कुछ नहीं करा आगे के लिए। तो मोदी जी के काम से खुश है मतलब आप? अभी टाइम 3:15 बजे, 3:15 बजे तक हमारे बूथ का पोलिंग 60% से ऊपर चला गया, मेरा मानना है 6 बजे तक हमारे यहाँ का पोलिंग 80% से ऊपर जाएगा, ये हमारा मानना है। आपने भी डाली है सर वोट? बिल्कुल वोट डाली है जी। किस मुद्दे पर वोट डाली है? जैसा कि अभी कुछ समय से देखने को मिला है, जो हमारी सनातन की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे धारा 370 काटना, राम मंदिर का बनना, काशी को सजाना, महाकाल को सजाना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं कि जो कि लोग इससे काफ़ी प्रभावित हुए हैं, और इसी एक मुद्दे को देख करके कि जिससे हमारा देश सुरक्षित रह सके, इसी मुद्दे को देख करके वोट किया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने सिर्फ धर्म के लिए काम किया है, बाकी विकास तो कुछ किया नहीं उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखते होंगे कि जो भी योजनाएं निकली है, किसी भी योजना पे ऐसा नहीं लिखा गया कि ये इस धर्म के लिए योजना निकाली गई है, और मेरा मानना जहाँ तक है, अधिकतर जो योजनाएं हैं ऐसे गरीब लोगों को, पिछड़े लोगों को ज़्यादा उसका लाभ मिला है, और 100% उसका लाभ उन्होंने उठाया। महंगाई को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि गरीबों के लिए महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई का एक अलग मुद्दा है, महंगाई एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी सरकार आज तक कंट्रोल नहीं कर पाई है। जो आज के किसी भी चीज़ के कोई प्राइस है, उसको अगर 10 साल पहले देखा जाए तो कम था ही, नेचुरल चीज़ है, आगे जा करके 10 साल बाद और आगे वो बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं है, सब चीज़ का अलग अलग वो निकलता है, महंगाई कुछ नहीं, उस हिसाब से जो है सब सामान्य चल रहा है। तो किस तरफ लग रहा है झुकाव? झुकाव ये है देश हित के लिए। आप बताइए सर, आपने भी वोट डाली होगी? जी मैडम, वोट। कितना उत्साह है वोट को लेकर? बहुत उत्साह है जी, पूरा उत्साह है, और खुद ही वोट भी डाला है, और पब्लिक को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट दें, अरुण गोविल जी को वोट दें,
ताकि देश के संसद में एक अच्छे स्वच्छ स्वच्छ और अच्छे लोग वहाँ पहुँचे, पढ़े लिखे लोग पहुँचे, ना कि अनपढ़ लोग पहुँचे। इस मुद्दे को देखते हुए दूसरा बात यह कि सरकार हमारी बहुत कुछ कर रही है, जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा उनको क्या कहा जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया, अच्छा किया। आपने पढ़े लिखे की बात उठाई, विपक्ष तो ये भी बोल रहा है कि मोदी जी के पास तो डिग्री भी नहीं है, डिग्री झूठी पेश करी थी सरकार के सामने। लेकिन ऐसा वो पेश नहीं कर पाए, ना वो साबित कर पाए। उन्होंने साबित किया, मोदी जी को अगर साबित कर देते कि वो पढ़े लिखे नहीं है तो आज वो जेल में नहीं होते, वो अपने झूठ बोलने पे, फ्रेम करने पे, झूठा लाछन लगाने के ऊपर ही तो जेल गए हुए हैं अरविंद केजरीवाल। ये कारण सिर्फ यही है कि वो लोग गलत बोलते हैं, गुमराह करते हैं पब्लिक को, गलत रास्ते पर ले जाते हैं, इस तरीके से वो जेल गए हुए हैं। तो समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है मेरठ की जनता के? मेरठ की जनता के जो मुद्दे हैं वो ये है कि विकास, विकास बराबर कर रही, गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे रही है, जिसमें हम उनके साथ हैं और वो हमारे साथ हैं, तो हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे ताकि वो हमारे लिए और अच्छा काम करें, यही हमारा मुद्दा है। आप बताइए सर, आपने भी वोट डाली होगी अभी? जी बिल्कुल डाली है। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाली है? सबसे बढ़िया तो ये बात है कि देश हित के लिए वोट की हमने, दूसरा सनातन के लिए किया है जी। और मेरठ के जनता के हिसाब से मुद्दे क्या हैं इस बार? बस विकास होता रहना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलता रहना चाहिए सभी तरह से। लेकिन सुनने में आ रहा है कि अरुण गोविल को लेकर ये बातें हो रही हैं कि वो बाहर का चेहरा है, शायद मेरठ की जनता की जो ज़रूरतें हैं, जो मुद्दे हैं, उनको वो समझ ना पाए। ऐसी बात नहीं है, समझेंगे वो, बिल्कुल समझेंगे। जब उन्होंने मेरठ से अपना नामांकन किया है तो मेरठ वासियों के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ चुनाव के वक्त यहाँ है, बाद में फिर कहीं मिलेंगे नहीं आपको। ऐसा है ना, मेरठ की जनता को तो काम से मतलब है ना, वो यहाँ पे रहेंगे, आएंगे भी जाएंगे, उनका वहाँ भी काम है, वो अपना वहाँ भी देखेंगे और यहाँ भी देखेंगे। तो किस वक्त किस तरफ लग रहा है रुझान इस वक्त मेरठ की जनता का? जी वो देश हित के लिए है, मोदी जी के लिए, अरुण गोविल जी के लिए। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या किस तरफ है इनका, किस तरफ दिया है वोट। बस बाबू अभी मैं देने जा रही हूँ, अभी दिया अच्छा, नहीं दिया, है। दिया हाँ, नहीं है, देने जा रही है। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट डालेंगी? मोदी जी को डालेंगी, मोदी जी को डालेंगी। लेकिन मुद्दे भी तो कुछ होंगे, विकास, सुरक्षा, मेरे को कुछ मालूम नहीं। हम फिलहाल मौजूद हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ के आदर्श बूथ के सामने, जहां हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने किन मुद्दों पर अपनी वोट दी है और क्या किस तरफ इस बार झुकाव दिखाई दे रहा है चुनाव में। वोट दी है सर आपने? हाँ जी वोट दी है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिए? सबसे प्रथम है विकास, और पूरे देश में जिस तरह से विकास, सुरक्षा और सभी को जो है समान अधिकार मिल रहा है, उसी को देखते हुए जिस तरह से पूरे देश भर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को देखकर हम लोगों ने वोट किए। तो किस तरफ झुकाव दिख रहा है इस बार मेरठ की जनता का? मेरठ की जनता का निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रभाव है, और ख़ासतौर से मेरठ में राम का चरित्र अभिनय करने वाले जो है अरुण गोविल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके प्रति जो आस्था और समर्पण का भाव है लोगों का, उसके तहत यहाँ हम लोग सभी उन्हीं के पक्ष में मत कर रहे हैं और अधिक से अधिक वोटों से वो जीतेंगे, ये निश्चित। लेकिन ये भी सामने आ रहा था कि उनके तरफ उनकी जो छवि है एक बाहरी नेता के रूप में बनाने की कोशिश की गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाहरी नहीं है, क्योंकि उनका जन्म भी यहीं हुआ है और वो निश्चित रूप से मेरठ में ही अब रहने वाले हैं, ये वह स्पष्ट भी कर चुके हैं। और ऐसे व्यक्तित्व को अगर हम चुनते हैं तो निश्चित तौर से मेरठ का और भी विकास होगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाएं किस तरफ हैं, महिलाएं किसको ज़्यादा पसंद कर रही हैं। आपने वोट डाला है अभी तक? जी सुबह डाला भी है और चार को डलवाने भी आए हैं, गाड़ी चलाती हूँ मैं, ड्राइव करती हूँ, ड्राइव करके अपने अड़ोसी पड़ोसियों को गाड़ी से भी लेके आई हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो किस तरफ इस बार झुकाव दिखाई दे रहा है मेरठ की जनता का? लेडीज़ की सुरक्षा का, पहले मोदी जी का सबसे ज़्यादा, आज कितने सेफ हैं, रात बेरात भी घूम लो, सब सेफ्टी है सबके लिए, और इतना विकास कर रहे हैं, रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं, सब कुछ तो हो रहा है। मोदी जी क्या नहीं कर रहे हैं, धारा 370 से लेके CA क्या नहीं कर रहे हैं मोदी जी,
लेकिन ये विपक्ष छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं कि जी हमारा स्कूल नहीं बना, हमारा हॉस्पिटल नहीं बना, पर्सनल बातों पे आ रहे हैं ना, मुद्दों पे। बड़े स्तर पे देखो ना कितना विकास हो रहा है। लेकिन विपक्ष जो है वो नेशनल मुद्दे भी उठा रहा है कि नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी आ गई है देश में, और जिस तरह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं हर चीज़ की। वो कांग्रेस के टाइम पे नहीं बढ़ी हुई थी क्या? कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी? थी ना, बहुत थी, तब भी बहुत थी। तो समय के साथ पे भी तो बढ़ रही है लोगों की, पे भी तो इतनी होती थी। तो कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जब हमने महंगाई करी तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों पर आई, जिसकी वजह से हमारी हमारा तख्ता पलट हुआ। तो क्या इस बार भी ऐसा लग रहा है कि होगा? मोदी जी ही आएंगे 100%, और मोदी जी को ही जिताना है, हम सबका यही उद्देश्य है। और वो जो इतने मिल के काम कर रहे हैं ना, 182 साल का और 150 साल का, उनका कुछ नहीं होना। उन्होंने चौथे दिन लड़के और सारा देश का बंटा धार करना और कुछ नहीं करना। तो हाँ, हम तो मोदी जी के आप बोल रहे हैं मोदी जी। लेकिन स्थिति जिस तरह से सामने आ रही है, वोट प्रतिशत जिस तरह से गिर रहा है, उसकी तरफ से लग रहा है कि 400 पार होगी बीजेपी? 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो भाजपा का वोटर है वो निकलता है और वोट डालेगा और मोदी जी को 400 पार ले जाएगा। लेकिन पिछले चरण में भी चुनाव जी मैडम, एक्चुअली स्थिति क्या है जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे मेरे हिसाब से 50% से ऊपर अभी तक वोटिंग हो चुकी है, तो ये अच्छा साइन है। और हम पर्सनली परसुएड कर रहे हैं लोगों को अपनी कॉलोनी में आसपास सबको, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। ज़्यादा वोटर टर्नआउट होने का मतलब लोगों को अपने अधिकार का, मताधिकार का प्रयोग करना है। लेकिन पूरे मेरठ की अगर बात करें तो वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं आंकड़ा सामने आ रहा है वो 30-35% से ऊपर गया हो चुका। अभी मैं जो 1.5 घंटा पहले न्यूज़ सुनी थी मैंने, उसमें 1 बजे वाली 38 पॉइंट कुछ आ चुका है। हर जगह अलग अलग आंकड़े पर ओवर एंड ऑल एवरेज जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, मथुरा में 35 था और मैं कहीं 33 था, मेरठ का 38 तो क्रॉस कर चुका है। तो क्या लगता है कि कितने प्रतिशत वोटिंग होगी? मेरे हिसाब से 55-60 के बीच में होगी, एक बात। और सेकंडली बीजेपी 100% जीतेगी मेरठ से इन पर्टिकुलर, और वैसे भी ओवर एंड ऑल भी। किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट दिया सर? बात यह है, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और मोदी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स भी बहुत हैं, पर सबसे बड़ा अचीवमेंट जो मेरी नज़र में है ना, वो है वर्ल्ड इकोनॉमी का। हम अगर आज की डेट में वर्ल्ड में स्ट्रांग हैं तो हमारी एक से है। अगर काम मान लो 11th 12th पोजिशन पे थे इकोनॉमी में मोदी गवर्नमेंट से पहले, हिल डुल रहे थे, कोई कंट्री हमारी बात नहीं सुनता था, कहाँ हम आज की डेट में 5th हो चुके हैं और 3rd के लिए एम कर रहे हैं। आप ये इमेजिन करो, थोड़ा आगे की सोचो कि जब हम 3rd पे पहुँच जाएंगे तो बड़े बड़े कंट्रीज को भी लगेगा इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, कि UNO में उसको सीट मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो हम उसको आगे फोर्स ही करें ना जो हो सकता है, तो हम उन अचीवमेंट्स को देखें ना कि छोटे छोटे मुद्दों को उलझें। महंगाई बढ़ गई, महंगाई कांग्रेस के टाइम पे 10.71% भी होती थी तो क्या बड़ी बात हो गई? और कौन जन ऐसे 80 करोड़ जनता को तो गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है, तो खाने पीने की किसे कमी है? किसे कमी नहीं है, बेच रहे हैं लोग इतना हो तो रहा कोई है, कोई वो नहीं है, कोई और कहते हैं कि अरुण गोविंद जी बाहर के, उनको मौका तो दो, करेंगे ना सब कुछ, करेंगे, आने तो दो, करने तो दो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मेन तो जो हमारे मिडिल क्लास जो लोग हैं और उससे जो नीचे क्लास वाले लोग हैं, उनके लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। पॉइंट पे मैं आ जा रहा हूँ, अगर महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कहते हैं कुछ लोग, कह रहे थे मैं यहाँ से पहले आया था तो, कि हमें खाने पीने को नहीं मिल रहा, जब 80 करोड़ जनता को तो फ्री राशन मिल रहा है 140 में से। अब वो सोचते हैं कि गेहूं की पिसाई भी मोदी जी दे दें तो वो तो नहीं होगा ना, पिसाने तो अपने घर से ही पड़ेंगे ना गेहूं, नहीं वो सोचे गेहूं की पिसाई भी दे दें हमें 100 रुपए साथ में। चलिए और लोग भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर वोट डाली आपने? हाँ जी वोट डाली मैंने। किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट डाली? देश का मुद्दा तो है ही कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उनके काम को देखते हुए पूरी मेरठ की जनता पुनः उनके लिए, मोदी जी के लिए वोट कर रही है। और अभी आपने बात पूछी कि अरुण गोविल जी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो बाहरी हैं, बाहरी नहीं है, वो उनका जन्म मेरठ में ही हुआ है, पढ़े वो मेरठ में ही हैं। और दूसरी बात, मेरठ में पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है, पहली देश की रैपिड रेल मेरठ को मिली है, मेरठ को खेल विश्वविद्यालय मिला है, मेरठ के युवाओं को आईटी पार्क मिला है, और उसके साथ साथ मेरठ की कनेक्टिविटी चारों तरफ बहुत शानदार तरीके से हो गई है। एक्सप्रेसवे मेरठ को मिल गया और मेरठ से मवाना हरिद्वार हाईवे बन रहा है, मेरठ से गढ़खा हाईवे बन रहा है। तो मेरठ चाहता है कि ये जो रफ्तार है काम की वो रुके ना, इसलिए हम लोग पुनः मोदी जी को, पुनः भाजपा को वोट कर रहे हैं। और यहाँ इस सीट से पुनः लगातार चौथी बार भाजपा चुनाव जीतने जा रही है। तो क्या लगता है सरकार दोहराएगी या विपक्ष बाजी मारेगी? नहीं, विपक्ष बाजी नहीं मार पाएगा क्योंकि वो लोग तो खुद बटे हुए हैं, और जो उनका मूल वोटर है
मुसलमान से लेकर और जो दलित वोटर बसपा का बताया जा रहा है उसमें भी भाजपा की सेंधमारी हुई है, क्योंकि भाजपा की जो नीतियाँ हैं गरीबों को राशन है और जो सुरक्षा की व्यवस्था भाजपा सरकार द्वारा की गई है उसकी वजह से सभी का रुझान मोदी सरकार की तरफ है। आप बताइए सर, वोट डाली आपने अभी? हाँ जी बिल्कुल डाली मैंने। तो कितना उत्साह दिखने को मिल रहा है लोगों में? बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत अच्छी यहाँ वोटिंग हो रही है और मेरे हिसाब से कि 65% तो अबव 65% जाएगा और देश सुरक्षित हाथों में है और आगे भी पूरी उम्मीद है कि सुरक्षित हाथों में ही रहेगा। तो आपके क्या मुद्दे थे वोट डालने से पहले? वोट डालने से पहले मुद्दे बहुत सारे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ इंडिया का और बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, आतंकवाद ख़त्म हुआ है हमारे देश से, सबसे बड़ी बात तो यही है। वहाँ से आते थे सरहद पार से कुछ भी करके जाते थे, हाँ कुछ भी करते थे वो लोग इधर आके, मतलब कहीं भी किसी भी सिटी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कुछ ना कुछ आतंकवादी गतिविधि रहती थी इन लोगों की। ये सबसे पहली तो ये चीज़ बंद हुई है। आपने डाला है वोट? हाँ मैडम, मैंने वोट डाल दिया है। तो किस तरफ है मेरठ की जनता का झुकान? ये बीजेपी की तरफ है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है जी। ऐसा सेवक जो है देश को मिलेगा नहीं, ऐसा संत जो दिन रात देश के लिए सोचता है और पिछले 10 साल में देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, करप्शन मुक्त कर दिया। और करप्शन पे विपक्ष लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बीजेपी पे हमला बोल रहा है। आप जनता का मानना है कि करप्शन मुक्त है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो चंदा लिया है वो भारतीय जनता पार्टी ने ही लिया है। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस के लिए तो फंड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री के ऊपर करप्शन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जहाँ और नेताओं के भाई बहन कहाँ से कहाँ पहुँच गए, उनके भाई जहाँ थे वहीं पर हैं, उन्होंने अपने पद का कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया। सारे भाई रिटायर्ड हैं, वो नहीं चाहते कि उनका परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके नाम का दुरुपयोग करे। जबकि और पार्टियों को देख लीजिए, अगर कोई हो जाता है परिवार में, सांसद भी हो जाता है, तो भाई बहन पूरा परिवार करोड़पति अरबपति हो जाता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमें सौभाग्य से मिला है और मैं तो चाहता हूँ जिंदगी भर मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री रहें। लेकिन सर, आपने बोला कि मोदी जी ने जो चंदा लिया वो इलेक्शन के लिए ज़रूरी था, तो ये तो दूसरी पार्टी के लिए भी लागू होना चाहिए फिर, क्योंकि इलेक्शन के लिए चंदा तो उन्हें भी चाहिए ना, पैसा तो उन्हें भी चाहिए। नहीं देखिए, ये तो प्रोसेस है, लेकिन परफॉर्मेंस तो ज़रूरी है ना। उनकी तो परफॉर्मेंस नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अगर हम विपक्ष को बना देते हैं तो 7 साल भर के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे पार्टियों के, कैसे चलेगा? सब लूट के खा जाएंगे, जैसे लूट के खाते रहे पिछले 70 साल वैसे ही लूटते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जैसा ईमानदार और देश को कहाँ से कहाँ ले जाने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, फ्री राशन मिला है लोगों को। पहले लिखा रहता था जगह जगह कि भैया नीचे बैठ लो, कोई बम तो नहीं रखा हुआ आपकी कुर्सी के नीचे, अब सब बेफिक्री है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी ने सबसे ज़्यादा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को दिखाने के लिए और धर्म के लिए ही किया है, बाकी जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, इनको लेकर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। देखिए, जब इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, पूरी दुनिया में हमारा ट्रेड बेहतर होगा, एक 5वें नंबर की 4थे नंबर की इकोनॉमी हम बनते जाएंगे, तो रोज़गार वगैरह तो स्वयं ही आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये रोज़गार नहीं ला रहा है ये। तो क्या लगता है, इस बार भी सरकार दोहराएगी? इस बार भी आएगी और हर बार मोदी जी की सरकार आएगी, जब तक वो रहेंगे हम और हमारा परिवार वोट देगा। मेरा बेटा जो है बाहर से आया हुआ है, गुरुग्राम से, वोट डालने के लिए, तो हम लोग बहुत उत्साहित हैं और चाहते हैं कि हमेशा हम मोदी जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में देखें। भाजपा लगातार 400 पार का दावा कर रही है, कितनी सीटें? मैं तो समझता हूँ कि ये 400 पार ज़रूर आएगा। चलिए, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे भी जानेंगे कि मुद्दे क्या हैं। वोट डाली आपने? हाँ वोट डाल दी जी। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालिए? मुद्दे तो सारे बढ़िया मुद्दे हैं जी, मोदी का काम ही बढ़िया है। महंगाई की बात बताते, कहाँ है महंगाई? अब से 50 साल पहले देखो, कहाँ कपड़े पहनते थे बच्चों पे, कपड़े होते थे, खाने को नहीं मिलता था, अब हर बच्चे पे 10-10 जोड़ी कपड़े हैं, बताओ कहाँ महंगाई है। आप तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के सरकार में कोई कपड़े ही नहीं पहनता था। हाँ कहाँ पहनते थे बताओ, कहाँ होते नहीं थे, जब पैसा ही नहीं होता तो कपड़े कहाँ से आएंगे।
लेकिन कपड़े तो पहने हैं ना? नहीं, कपड़े तो पहने, जब पैसा नहीं होता तो गरीब आदमी पे कहाँ से कपड़े आते थे? अब कपड़ों से कहाँ पहचानेगा कोई गरीब है, बताओ किस पे कपड़े नहीं है? अगर मैं भी बहुत गरीब हूँ तो मेरे बच्चों पे भी दो जोड़ी कपड़े तो है। पहले तो कपड़े नहीं होते थे, एक जोड़ी कपड़े होते थे, उन्हें धुल लो, उन्हें पहन लो। लेकिन विपक्ष लगातार बोल रहा है कि महंगाई बढ़ी है मोदी सरकार के कार्यकाल में। देखिए मैम, महंगाई कहाँ बढ़ी है बताइए, कितनी गाड़ियाँ हैं, पहले कितनी गाड़ियाँ थी? गाड़ी तो पैसे से आती है, बिना पैसे तो गाड़ी नहीं आएगी। सड़कें कितनी बढ़िया हैं, पहले कहाँ थी? पैसे से तो सड़कें बनेंगी, तो कहाँ महंगाई है बताइए। अब विपक्ष तो कुछ भी कहे, वो कहता है, उनका काम है कहने का, खुद चोर है तो वो मोदी को भी चोर समझते हैं। अरुण गोविल जी पर ये कहा जा रहा है कि वो बाहर के हैं, शायद मेरठ के जमीनी मुद्दों को इतने अच्छे से ना समझ पाए। नहीं, क्यों नहीं समझेंगे, जब वो आए हैं जमीनी मुद्दे भी समझेंगे। आदमी पहले जब नहीं रहेगा तो उससे पहले कैसे समझ लेगा, आने के बाद ही तो समझेगा। जब वो यहाँ आ जाएंगे वो यहाँ के मुद्दे भी समझेंगे, उनको हल भी करेंगे। और भी लोगों से बात करेंगे। सर वोट डाली है आपने? वोट मैं भी डालने वाला हूँ, दो वोट बस। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे? मुद्दे देखो मैडम, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा जो है मेरठ शहर जो है, ये बहुत ही अराजक शहर की उसमें आता है, श्रेणी में आता है। जब से योगी जी की सरकार आई है यहाँ बहुत ज़्यादा जो है सुरक्षा की व्यवस्था हुई है। महिलाओं का पहले यहाँ जीना बहुत मुश्किल था जब तक दूसरी सरकारें थी, जब से भाजपा की सरकार आई है हमारे यहाँ की महिलाएँ अपने आप को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वो तो सुरक्षा का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो है हमारा वो है जो ये हमारे देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है, और मोदी जी ने जो ये स्वयं रोजगार के बहुत सारे जो अपने वो चलाए हैं, जो मेक इन इंडिया है और आपका मेड इन इंडिया है, और आपका जो ये कई तरह के ऋण में मोदी जी बांट रहे हैं लोगों के लिए, लघु उद्योग शुरू करने के लिए, स्टार्टअप इंडिया है, इस तरह के लिए हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये जो हमारी स्कीमें चल रही हैं ये कहीं रुक ना जाए, और मोदी जी का जो ये हमारा जो सफ़र चल रहा है जो विकास की, और हम तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, हमें इस विकास के जो डगर पे हम आगे चल रहे हैं इसको रुकने नहीं देना है, और मोदी जी के हाथों को और अधिक सशक्त करना है। और इस बार हमारा प्रयास रहेगा मैडम ये कि हम अब की बार उन्हें जो उनका नारा है 400 पार का, वो हम उनका पूरा नारा पूरा करके देंगे, और अब की बार 400 पार करके देंगे। और जो हमारे अरुण गोविल जी हैं ये भी कम से कम 2,00,000 वोटों से जीत के, आज ये शाम तक घोषणा हो जाएगी कि हमारे अरुण गोविल जी 2,00,000 वोटों से जीत के और बहुत बहुमत के साथ प्रचंड जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन घोषणा में तो अभी समय है, हमारे साथ बहुत ही सुंदर सुंदर लेडीज भी यहाँ पर मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम प्लीज बोलिए ना, वोट डाले हैं आप? हाँ डाले हैं। किसको डाले हैं, मतलब किसको तो नहीं, किन मुद्दों पर डाले हैं? बस मुद्दे विकास के मुद्दे पर डाले हैं, जो विकास हो रहा है इसके लिए उनको वोट दिया हमने। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आज के टाइम पे? सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी है महिलाओं के, आज और सुविधाएं मिली हुई है, और महंगाई और गरीबी और बेरोजगारी। महंगाई ऐसे कोई महंगाई नहीं है, सबके पास बहुत पैसा है, बहुत खर्च करती है लेडीज आकर के, फिर कहां से महंगाई हुई है? लेकिन कह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है हमारा उनके लिए बहुत महंगाई है। चलिए, इनको बात करनी है। वोट डाली है आपने? जी बिल्कुल डाली है। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते वोट डाली? रोजगार जी। तो मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं? मैम ज़्यादा संतुष्ट तो है नहीं, मगर हाँ संतुष्ट है इतना है, हाँ थोड़ा सा है हमारे पास सिक्योरिटी थोड़ी सी, मगर अदरवाइज ये है कि हम भी मंगल पांडे नगर में रहते हैं, VIP क्षेत्र है हमारे यहाँ, जज कंपाउंड है और अच्छा सब कुछ है, मगर हमारे यहाँ 20 से 25 साल हो गए आज तक है ना सरकारी एक ईंट तलक नहीं लगी है। मैम वोट डालने जा रही हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डालेंगे? मोदी जी के नाम का सिक्का निकालना चाहिए। इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि सिक्का निकालना चाहिए, वो अभी तक सिर्फ गांधी जी के नाम का निकला है, अब मोदी जी के नाम का होना चाहिए। इतनी खुश है मोदी जी के काम से, किन काम को ध्यान में रख के वोट डालेंगे? सभी काम अच्छे कर रहे हूँ। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बड़ी है उनके कार्यकाल में। वो अब हर चीज महंगी है तो महंगी है फिर। आप बताइए मैम, आप भी किन मुद्दों को वोट ध्यान में रखी वोट देंगे? रोड्स पे वगैरह जितने भी चीज़ें हैं उस पर बहुत वर्क हुआ है, रोड्स में आपके आर्मी वगैरह का बहुत अपना हुआ है, और आपका बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, उग देंगे नौकरियों की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, निकलवा दो हमें जरूरी है। तो बताइए सर जी, मैं अपने मोहल्ले की तरफ से कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 20 से 25 साल हो गए एक कोई सरकारी पैसा नगर निगम का एक लगा नहीं है, जितना भी करते हैं हम अपनी मेहनत से करते हैं, वहाँ पे साफ सफाई भी अपनी मेहनत से होती है, ठीक है,
हमने कंप्लेंट कर दिया नगर निगम के लिए, आप कहते हो कि क्या स्वच्छ भारत अभियान, हमारे यहाँ आकर देखो ना स्वच्छ भारत अभियान कैसे चलता है। जज कॉलोनी है, लैटरिन बैरियर नालियों में सीवर से निकल निकल करके एक पैसा तक कोई रिपेयर तक नहीं करने आता। मेरे को कम से कम ज़्यादा नहीं 15 से 20 दिन हो गए कंप्लेंट करते करते, कोई भी नहीं आया। ऊपर किसी को कंप्लेन करी थी नगर निगम के अलावा? ये व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इन्होंने, ये नगर निगम कैमरे में दिखा दीजिए। अरे खोल वीडियो चलाना, ये बाकायदा मैं इसमें बोल रहा हूँ, स्पीच भी दे रहा हूँ। ये हमारे रामगढ़ी मोहल्ला है, जज कॉलोनी के पास पानी की टंकी पास में है, ठीक है जी। यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारे रामगढ़ी का है। ये लैटरिन बह रही है इधर, आप देख ही सकते हो, और ये देखो एक तरफ लैटरिन बह रही है, एक तरफ नाली की कुल्हाड़ी अलग है, देखो। बोलिए आप, बोलिए, ठीक है। और मैम हमने नगर निगम से फिर वापसी में रिप्लाई में ये मैसेज आया, ठीक है, उसके बाद तो कोई हुआ नहीं। इतनी मैंने कॉल कर चुका हूँ, इससे अलग भी कॉल कर चुका हूँ मैम, हो काम हो जब ही तो बोले इंसान, ये थोड़ी ना हवा में बोल दिया। अरे हम एसी बंगले में रहने वाले इंसान होते तो क्यों यहाँ पे बोर्ड डालने आते, हम भी घर में बैठ के आराम से बुझ लेते। तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ एसी वाले जो है वो खुश हैं मोदी सरकार के काम का? क्योंकि उन्हीं का सब कुछ काम चल रहा है, और गरीब आदमी है एक एक दुकान लेकर के बैठ गया, उसके ऊपर GST का बोर्ड लगा देंगे। भैया GST पे करो, कहाँ से पे करो, जब काम धंधा चले जब तो करेगा, एक छोटी सी दुकान पे बताओ। यहाँ हमने जाना, लोगों से हमने लोगों से बात की और जाना कि क्या है उनका इस चुनाव को लेकर मिजाज और किस मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट डाले गए हैं। हमें दोनों तरह के लोग मिले, जो मोदी जी के साथ हैं वो भी, और जो मोदी जी के कामकाज से खुश नहीं है वो भी। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि बाकी जो बचे हुए चरण हैं उनमें किस तरह मोदी जी के कामकाज पर वोट डलता है या इस बार विपक्ष को मौका मिलता दिख रहा है। ये स्थिति 4 जून को साफ हो जाएगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। कैमरामैन विवेक के साथ मैं अनुष्का।